हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि आप लोग एक सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो एक टिक मॉड्यूल से। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो पहले हम लोगों को ऑर्डिनो का जो 5 वोल्ट है उसे सेलेक्ट करना है, मतलब उस पर एक वायर लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को ऑर्डिनो के 5 वोल्ट पर एक वायर लगा लेना है। 5 वोल्ट तो वायर लगा लेने के बाद इसे हम लोगों को लगा देना है एक ब्रेड बोर्ड पर, और जो कि एक छोटा सा ब्रेड बोर्ड ही नीडेड है, तो यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद आपको लेनी है सर्वो, और सर्वो का जो 5 वोल्ट वाला पार्ट है उसे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसे यहाँ पे सेलेक्ट करना 5 वोल्ट वाले पार्ट को, और उसे भी यहीं पर ही लगा देना है। तो इसके बाद आपको यह जॉयस्टिक मॉड्यूल भी लेना है, और उसका भी 5 वोल्ट आपको यहीं पे लगाना है, जो कि अभी मैं बाद में लगा दूंगा। पहले हम लोग सर्वो और उसका कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले अभी आपको सर्वो का जो GND है उसे भी आपको ऑर्डिनो पे लगाना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो सर्वो का मेन ट्रिक पिन है उसे आपको वायर लगाना है, और फिर उसको लगा देना है आपको डिजिटल पिन नंबर 8 पे, कुछ इस तरीके से। तो अभी हम लोग जॉयस्टिक से कनेक्ट करते हैं वायर्स, और उसे कनेक्ट करते हैं ऑर्डिनो से। तो पहले मैं इसको साइड में रख देता हूँ, और अभी इसे लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोगों को इसके जो यहाँ पे शुरुआत के 4 पिन्स हैं, यानी कि जो GND है, आप लोग देख सकते हो जो GND है, इसके नीचे के 3 और पिन चाहिए बस, और जो लास्ट वाला है इसे छोड़ देना है। तो यहाँ पे सभी पे वायर्स लगा देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सारे वायर्स हमने लगा दिए हैं। अब इसके बाद जो इसमें GND है वो आपको आर्डिनो के GND पे लगा देना है, और जो 5 वोल्ट है वो 5 वोल्ट पे ही लगा देना है। तो अभी मैंने जो जॉयस्टिक मॉड्यूल का GND है उसे लगा दिया है आर्डिनो के GND पे, और जो जॉयस्टिक मॉड्यूल का 5 वोल्ट है उसे यहाँ पे ब्रेडबोर्ड में जो हम लोगों ने वायर की सीरीज बनाई थी वहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ से मैं पिक करके यहाँ से लगा देता हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको।